झांसी में एसएसपी शिवहरि मीणा का अनोखा अंदाज देखने को मिला जब फरियाद लेकर उनके पास पहुंची महिला का बेटा एसएसपी की कुर्सी पर बैठ गया। एसएसपी शिवहरि मीणा ने कहा कि कुर्सी पर बैठा बच्चा एक दिन का पुलिस अफसर है और एसएसपी उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गए और महिला का दर्द भरी कहानी सुनकर उसको न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। भाई एक दिन का कप्तान है यार, मैं इसका सिंटर सिर्फ बैठा हुआ हूँ, पानी पिलवा दो भाई। नाम बता दो, नाम क्या बता दे, अरे नाम तो बता दे, क्या नाम है? वो कप्तान है, वो 26 आपका हो सकता है सिकुंद जी। ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा था, अभी जब मैं पुलिस लाइन पहुंचा तो युवती मेरे पास आई, उसका बच्चा भी उसके साथ था। युवती की बात सुनी गई है, आपस में पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति को बुलाया गया है, युवती से बात भी हमने करी है कि वो क्या चाहती है, तो उसने बताया कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि पति को बुला के समझा दिया जाए। युवती को अभी फ़िलहाल पुलिस लाइन में ठहरा दिया गया है, उसको खाना खिलाया जा रहा है और पति को बुलाया जा रहा है, दोनों पति पत्नी के बीच में बैठ के समझौता करवाया जाएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं, कोई इशू रहता है तो उनकी काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद भी अगर युवती नहीं मानती तो जो विधिक प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाया जाए। एसएसपी की कुर्सी पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, साथ ही दूसरी कुर्सी पर एसएसपी शिवहरि मीणा और तीसरी कुर्सी पर बच्चे की पीड़ित माँ बैठी हुई है जो अपनी शिकायत लेकर एसएसपी शिवहरि मीणा के पास पहुंची थी। बच्चे की मां ने एसएसपी से अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि उसकी शादी एक सिपाही से हुई थी, शादी में उसके परिजनों ने हैसियत के अनुसार कुल 15 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन शादी के बाद उसका पति उस पर और पैसे लाने की मांग करने लगा, जिसे ना देने पर उसका पति उसको लगातार प्रताड़ित करने लगा। झांसी से माय भारत के लिए शकील अली हाशिम की रिपोर्ट।